हाँ जी हाँ बोलो डोगरा जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व हैं और उनके विभिन्न पदों पे रह चुकी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रही हैं और महिला शक्ति के साथ जुड़ रही हैं। हम इनका गीता डोगरा जी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। इनके साथ इनकी और बहनें जो है भारतीय जनता पार्टी स्वागत है भाई, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है बीजेपी में, स्वागत है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनता पार्टी का दामन थामने के लिए हमारी बहन गीता डोगरा जी जो पुनता त्रिकुटा नगर की निवासी हैं, अपना पूरा जीवन कांग्रेस को देने के बाद आज भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विकसित जो यात्रा है उसमें अपने साथ शामिल होने के लिए हमारे साथ अपनी बहनों के साथ शामिल हुई हैं। हम गीता डोगरा जी का पुनः से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसके साथ और खासकर जो महिला शक्ति के लिए जिस तरह से काम किया गया है उसके कारण जो है आज प्रेरित होकर वो हमारे साथ शामिल हुई हैं। मेरे साथ इस मंच पर हमारी बहन, दोनों बहनें, हमारी जो महिला मोर्चा की दोनों महामंत्री हैं नेहा जी और रीमा जी, वो मेरे साथ हैं। साथ में हमारी जम्मू साउथ की जो हमारी जिला अध्यक्ष हैं वह रेखा महाजन जी, वे भी हमारे साथ हैं। आज एक ऐसा दौर है जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो मातृशक्ति के लिए काम हुआ है, जो विकसित भारत के लिए काम हुआ है, उसका 10 साल का जो संकल्प हम लेकर चले हैं और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग जो जगाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 को हटाकर, कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि हम सुरक्षित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम सुरक्षित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आप संकल्प है। और 2024 का ही नहीं ये 2047 तक का जो एक सफर है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष रखा है, ये 10 साल का कार्यकाल एक विकसित भारत का कार्यकाल रहा है, ये 10 साल का कार्यकाल एक शांति का कार्यकाल रहा है, एक करप्शन फ्री जो है रहा है। हमने देखा है कि हमारे दोनों जो पूर्व सांसद भी हैं और एक तो हमारे केंद्र मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और आदरणीय भाई जुगल किशोर शर्मा जी, दोनों ही ऐसे हमारे कर्मठ और खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बदलने के लिए अपना योगदान दिया है। अगर हम कठुआ से शुरू हों और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के डेवलपमेंट का एजेंडा हर 20 किलोमीटर पे हमें नजर आता है और किश्तवाड़ के पाडर तक वो जो है सड़कें पहुंचने का काम, बिजली पहुंचने का काम अगर किसी नेता ने किया है इन 10 सालों में तो मानने हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अगर किसी ने जम्मू से शुरू होकर पुंछ तक, पहले ये सीट पुंछ तक थी, लोरन तक थी, अगर किसी ने सड़कों के साथ उन गांव को जोड़ा है तो हमारे जुगल किशोर शर्मा जी ने अपने प्रयत्न से, अपने सक्षमता से उन सभी का जो काम है इसको किया है। हम और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लोग हैं और नेता और जनता जो है आने वाले समय पर उन सबको बताएगी कि वो कैसे लोग थे। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए हमारी महिला शक्ति जो है आगे आई है और बहुत सारा योगदान इन्होंने दिया है पार्टी के अंदर, कांग्रेस को
आज उसी लेकिन उस कड़ी को छोड़ते हुए वो अपने आप को आज आपने देखा, उससे पहले एक ज्वाइनिंग हुई है, इसके बाद आज हमारी एक और बहन जो है कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद हमारे साथ सम्मिलित हुई है। आप गीता जी आप भी बोले थोड़ा।